तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर श्री राम ने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर तीर्थ प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गाँव सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई में रुके थे। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। कुछ साल पहले तक प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। चित्रकूट प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रख कर राज्य किया था। सतना चित्रकूट के पास ही सतना यानी मध्य प्रदेश में स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि पत्नी अनुसुईया के साथ महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल थे। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है तेलंगाना का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य वन अब सिमट कर वर्तमान में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ही रह गया है। पंचवटी नासिक दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी। श्री राम ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ नासिक क्षेत्र में ही सूर्पनखा की नाक कटी तथा मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले से इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गाँव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहां जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। पर्णशाला पर्णशाला तेलंगाना के खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। यह रामालय से लगभग एक घंटे की दूरी पर स्थित है। पर्णशाला को पंचशाला या पंचशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां से सीता जी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहां छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहां पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता जी की खोज में गए। शबरी का आश्रम श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए चल दिए। जटायु और कबंद से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आज केरल में स्थित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध शबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। ऋषिमुख पर्वत
मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता जी के आभूषणों को देखा और बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बिल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। कोडीकराई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है, कोडीकराई समुद्र तट विलानकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पार्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडीकराई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया, लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबाथिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध सनातन तीर्थ केंद्र है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी या धनुषकोटी। 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पनबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहां से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल यानी राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेंटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग तर्क दे ही देंगे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक।